आपको पता है मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है क्यों वो मिडिल क्लास से अपर क्लास में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहां पर होता क्या है आपकी पॉकेट में तो दस हजार रुपए पड़े लेकिन आपको फोन चाहिए फोन एक लाख रुपए का डेढ़ लाख रुपए का पड़ोसी ने कार ले ली आपको भी कार चाहिए पड़ोसी का मकान बड़ा है आपको भी बड़ा है चाहिए भले ही बड़ा ले ना पाओ लेकिन अभिलाषा जरूर रहती है तो ये फालतू के शोकबाजी जो होती है जो दिखावा होता है ना जब तक आप इस दुनिया से बाहर नहीं आओगे ना तब तक आप मिडिल क्लास में ही बने रहोगे आपको हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग जाए ये बात लेकिन बुरी लगने वाली बात नहीं है रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए अच्छा आपको दिखाना किसको है जो आपके गांव के शहर के अड़ोसी पड़ोसी मित्र हैं रिश्तेदार हैं उनको तो आपकी रियलिटी वैसे पता है उनको तो पता है यदि आपकी पॉकेट में दस बीस हजार रुपए थे लेकिन मोबाइल आपके पास डेढ़ लाख रुपए का उनको यह भी पता है कि आपकी कार की ई कितनी जाती है उनको यह भी पता है कि आपने किस किस से पैसे उधार लिए कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आप उपयोग करते हो और जो आपको जानते नहीं है उनको आप शोबाजी करके करोगे क्या क्या दिखाओगे उनको तो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और सबसे बड़ी रियलिटी तो ऊपर वाले के सामने भगवान जिसको भी आप मानते हो तो क्यों किसको धोखा दे रहे हो आप और ये जिस दिन रियलिटी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और जितनी चादर है उतनी पैर फैलाने शुरू कर दिए ना तो आपकी लाइफ बदल जाएगी तो शुरुआत कीजिए अपने मंथली और डेली एक्सपेंसिस को ट्रैक करना शुरू कीजिए यदि आप अपने मंथली एक्सपेंसिस को ट्रैक नहीं करोगे तो कभी भी अपने एक्सपेंसिस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे इसके लिए एक डायरी बनाइए अपना छोटे से बड़ा हर प्रत्येक सूई लाओ चाहे फावड़ा लाओ चाहे एरोप्लेन ले आओ हर कोई एक्सपेंस उस डायरी के अंदर नोट करके रखिए तो मुझे लगता है कि यह हैबिट आप सभी के अंदर होनी चाहिए इसीलिए आज का पोर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले ये दो चार बातें आपके साथ मुझे लगा कि साझा करनी चाहिए आप देख लेते कि आज पोर्टफोलियो किसका है रिव्यू के लिए काफी समय से इनका पोर्टफोलियो मेल पर आया हुआ पड़ा हुआ था तो समय नहीं मिला इसलिए नहीं कर पाया ये सबाना नफीसा जी हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो शेयर किया है तो हाउस वाइफ हैं, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो साझा किया है बहुत अच्छा लगता है यदि किसी हाउस वाइफ का पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए आता है ठीक है तो रिक्वेस्ट टू रिव्यू माई पोर्टफोलियो एंड एडवाइस एस्टिमेटेड सी यानी कि कितना रिटर्न इनको मिलेगा क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न होगी और कितना अमाउंट क्रिएट होगा वो सब हम कैलकुलेट करके देखेंगे इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट साढ़े सात हजार रुपए का महीने के एसआईपी इनकी जा रही है ड्यूरेशन पंद्रह साल की है इनकी पंद्रह साल का टाइम हो अच्छा समय है इनका और डायरेक्ट ग्रोथ के इनके प्लान है ये भी अच्छी बात है ठीक है क्वांट स्मॉल कैप फंड पंद्रह सो साठ रुपए बड़ा ही इन्होंने मतलब कैलकुलेटिव वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है कई बार मैं भी जब करता हूं तो इस तरह कर लेता हूं तीस रुपए साठ रुपए पचास रुपए पता नहीं ये थोट आती है ना कई बार कुछ लोगों को दिमाग में पंद्रह सौ पूरा नहीं करता तीस करता हूं पचास करता हूं ऐसे करके मुझे भी लगता है ठीक है निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड इसमें भी पंद्रह रुपए इन्होंने किए मंथली एस आईपी एस आई मैगनम मिड कैप फंड दो इसमें इनकी एसआईपी जा रही है कैनडा रुबेको बिलुचि इक्विटी फंड रुपए की एसआईपी जा रही है आईसीआईसीआई प्रू कोमोडिटी फंड ये इसके अंदर इनकी जो है सौ रुपए की जो है जा रही है और अंतिम इनका जो फंड है वो है एस बी आई कोंट्रा पांच सौ रुपए की एस इसके अंदर भी कर रहे हैं तो अब पहले तो स्कीम देख लेते हैं एस बी मैगनम मिड कैप मिड कैप कैटेगरी की एस की आपको बताऊं स्टेट बैंक की म्यूचुअल फंड की केवल तीन चार स्कीम अच्छी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं एक तो एस बी स्मॉल कैप वो तो टॉप परफॉर्मिंग रह चुका है टॉप फाइव में है ठीक है उसके बाद ये मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है ये अच्छा है इसके बाद जो तो इनका लार्ज कैप फंड था वो भी काफी अच्छे रिटर्न दे चुका है लेकिन अभी उतना उसका क्रेज नहीं रह गया है ठीक है तो ये दो तीन स्कीम ऐसी अच्छी हैं एक फोकस्ड इक्विटी इनका जो फंड है वो भी अच्छा था अभी उसकी भी परफॉर्मेंस कुछ समय से डाउन चल रही है लेकिन इसके अलावा कुछ फंड मुझे इनके खास पसंद आते नहीं है अब निपोन स्मॉल कैप जो है ये अच्छा फंड है नो no डाउट अभी तक तो टॉप रह चुका है ये अब आगे कैसा परफॉर्म करेगा को देखते हैं वो लेकिन गिरते गिरते कितना गिरेगा? एक स्टेबिलिटी तो आएगी अच्छे रिटर्न देगा आप इसमें बने रहें कोई दिक्कत नहीं है कैनडा रोबेको को बलूची फंड लार्ज कैप कैटेगरी के का फंड है इसमें जो स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो को मिलती है तेरह सौ रुपए के एस आई पी इसके अंदर है आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो लेकिन जब हम निवेश करते हैं मोर देन फोर एट ईयर यहां पर तो बात हो रही है पंद्रह साल की तो लार्ज कैप में निवेश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इंडेक्स में निवेश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है डेट फंड में निवेश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मुझे लगता है ऐसा अब जो मुझे लगता है जरूरी नहीं है आपको भी वही लगे आपके लिए भी वही सुटेबल हो आपके रिस्क एपेटाइट कैसा है आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो या नहीं हो ठीक है तो अब चलते हैं इसके बाद क्वांट स्मॉल कैप क्वांट के म्यूचुअल फंड तो अपने नाम के लिए जाने जाते हैं लेकिन कुछ समय से जो इसकी परफॉर्मेंस है थोड़ी सी डाउन रही है लेकिन ये अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें समय समय पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस करते रहते हैं जिससे कि एक अच्छी जो है परफॉर्मेंस निकाल कर दे देते हैं ठीक है तो उम्मीद करते हैं क्वांट स्मॉल कैप आगे अच्छा परफॉर्म करेगा एस बी आई कोंट्रा अब ये वो फंड है जो फंड मैनेजर को ऐसी कंपनी सेलेक्ट करते हैं ये इनको लगता है कि ये कंपनी की वैल्यू इतनी नहीं है ज्यादा होनी चाहिए डिजर्व ज्यादा करती है लेकिन मार्केट इनको जो है ना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा अच्छा तो भविष्य में इन पर अच्छे रिटर्न मिलेंगे उस तरह की कंपनी है मतलब ये उस तरह से है कि थोड़ी सी बैट लगा लेता है जो फंड मैनेजर है लास्ट फंड है इनका आईसीआईसी प्रू कॉम्यूडिटी फंड इसके अंदर पांच सौ रुपए की एस जा रही है अभी आईसीआईसी प्रू कम्युनिटी फंड जो है ये थीमेटिक फंड है थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट ये करते हैं साढ़े तीन साल चार साल पुरानी लगभग स्कीम है तो अभी तक इसके खास रिटर्न तो मैं नहीं देख पाया हूं लेकिन साढ़े तीन चार साल की परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है यदि बात करें पर्टिकुलर साढ़े तीन साल हुए हैं तो साढ़े तीन साल में तो लगभग छत्तीस परसेंट के रिटर्न दिखा रहा है तीन साल में सैतालीस परसेंट दिखा रहा है और ये क्यों दिखा रहा है क्योंकि तीन साल पहले का पीरियड जो था आपको पता है वहां पर कोरोना कोविड टाइम था तो मार्केट कितना क्रैश हुआ था तो तीन साल के समय में तो कोई भी स्कीम है वो अच्छे रिटर्न दिखा रही है यहां पर दो साल में तेरह दशमलव पिछासी परसेंट के और डेढ़ साल में लगभग साढ़े चौदह परसेंट के तो इस प्रकार से रिटर्न दिखा रही है ये एक साल में पैंतीस परसेंट के रिटर्न है तो हां ठीक है ये आपको रिटर्न बनाकर दे सकती है कई बार इसको आप कंटिन्यू रखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब देख लेते हैं कि आपकी इस स्कीम जो है इसका आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना मिल सकता है कोई बुरे नहीं है यदि आपको तेरह चौदह से ऊपर के रिटर्न किसी भी, मतलब म्यूचुअल फंड में या पर्टिकुलर आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में मिल रहे हैं तो ये अच्छे रिटर्न माने जाएंगे कम रिटर्न नहीं है तो अगले पंद्रह साल जैसे कि आपका टाइम ओराइजन है वहां पर आपकी पॉकेट से पंद्रह साल में साढ़े सात हजार रुपए की आपकी मंथली एसआईपी है आपकी जेब से जाएंगे तेरह लाख पचास हजार रुपए क्योंकि यहां पर कोई भी स्टेप ऑफ एसआईपी नहीं है और इस पर जो आपको एस्टिमेटेड लगभग अनुमानित जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा उनतालीस लाख अस्सी हजार रुपया लगभग चालीस लाख रुपया तो आपका कोर्पस क्रिएट होगा अगले पंद्रह साल में इस साढ़े रुपए एस से तरेपन लाख तीस हजार रुपया ऊपर के साढ़े तीन तीस हटा भी दो तो पचास लाख रुपया मान सकते हो कि हाँ ठीक है इस पोर्टफोलियो से अगले पंद्रह साल बाद आपको पचास लाख रुपये मिल जाएंगे लेकिन मेरी आपको राय जो है सजेशन यही रहेगा कि पंद्रह साल की जगह या तो इसको आप सत्रह साल अट्ठारह साल मतलब कहने का यह है कि जितना भी अधिक बढ़ा सको उस समय और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आपकी उस समय फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो कि आप इसको पंद्रह साल में जरूरत ना पड़े आपको उस समय तक ऐसी कंडीशन हो जाए आपकी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप उस समय साल बाद इसको ना निकालो क्योंकि जरूरत नहीं है अभी छोड़ दो इसको अब इतना पैसा बढ़ गया है तो इसको और थोड़े दिन रखे रहते हैं तो जब आप इसका मैजिक देखोगे सोलह सत्रह अट्ठारह जब साल में आप चलोगे तो उम्मीद करता हूं तीन चार साल में ना उसके बाद आपका ये जो 53 थ्री है ना ये करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको आनंद आएगा कि हाँ ठीक है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का ये जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट यहां पर जो है मिलता है तो उम्मीद करता हूं नफीसा जी आपको शायद सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और यदि ऐसा है तो बाकी भी सभी लोगों के साथ जो भी आपके जानने वाले हैं जिनको कि आपको उचित लगता है उचित कि हाँ ठीक है इन लोगों को भी इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए उन लोगों के साथ अवश्य साझा करिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत